गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पार्ट 3 का पेज नंबर 16 करते हैं आपकी मैथ का, ठीक है, गणित का। तो इसमें क्या है, आपको देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, है ना। सूरज है, एक झोपड़ी जैसा है ना, एक ये ट्रेंगल शेप में है, यहाँ एक गाड़ी है। तो यहाँ पे आज हम एक खेल खेलते हैं। किसका खेल? तिल्ली वाला खेल। माचिस, माचिस होती है, माचिस है ना, इसमें क्या होती है? तिल्लियाँ। तो ये जो आपको चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों पे आपको क्या लगानी है? तिल्लियाँ, ठीक है। जहाँ तिल्लियाँ नहीं लग सकती, उसमें हम क्या करेंगे? रंग भरेंगे। फिर आप ढूंढोगे कितने इसके अंदर गोले हैं और कितने चौकोन है। मैंने आपको दो आकृतियाँ बताई थी, एक गोल आकृति और एक डब्बे जैसी आकृति, जिसको हम बोलते हैं चौकोन, ठीक है। आप पेंसिल से, तिल्ली से और इन दोनों से कोई भी और भी चित्र भी बना सकते हैं और उनमें रंग भी भर सकते हैं। तो आओ बच्चों, इनको कैसे करेंगे हम? देखो, ये हमारी माचिस की तिल्लियाँ हैं, इनको हम ऐसे लगा देंगे इनके ऊपर, ठीक है। आप सब भी बच्चे इनको फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। तो इनको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है बच्चों। फिर ये नीचे वाले हिस्से में आप ये तोड़ के भी लगा सकते हैं, छोटी करके। ये बड़ी है ना, तो इसको हम छोटी कर लेंगे, फिर इसको लगा देंगे यहाँ पे। और जिस आकृति में हम तिल्ली नहीं लगा सकते हैं, उसमें क्या करेंगे? हम कलर कर देंगे और उनको फिर हम गिनेंगे कि हमारे पास गोल आकृति कितनी आई और चौकोन आकृति कितनी आई, ठीक है बच्चों। तो जैसे अब ये वाली आकृति रह गई हमारी, जिसमें हम तिल्ली नहीं लगा सकते, तो इनमें क्या कर देंगे? हम कलर कर देंगे। आप सब भी अपनी किताब के अंदर ऐसे ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम कलर कर देंगे, आप इसको फेविकोल से चिपका देंगे इनको, ठीक है। फिर ये हिलेंगी नहीं ऐसे, ठीक है। इसी तरह आप इनके ऊपर भी तिल्लियाँ लगाएंगे, ऐसे यहाँ लगा देंगे और जैसे ये लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी, फिर एक यहाँ लगा दी, ठीक है। और फिर इनको तोड़ के यहाँ पे भी लगा सकते हो आप ऐसे। तो ये आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये देखेंगे कि जिन आकृतियों में तिल्लियाँ नहीं लगती, उसमें आप कलर कर देंगे। अब जैसे गोल आकृति है हमारे सूरज की है, तो इसमें हम कलर कर देंगे क्योंकि इसमें हमारी तिल्लियाँ नहीं लगेंगी। तो इसमें क्या कर देंगे? हम कलर करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आप ये पता करो कि आपके पास गोल आकृति कितनी है इनमें और चौकोन आकृति कितनी है। चलो पहले हम गोल गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो गोल आकृति कितनी हुई? 6, ठीक है। अब चौकोन आकृति जो डब्बे जैसे आकार की है, देखो, एक तो ये, 1, 2, 3, ठीक है, 3 और एक ये 4, इसके नीचे वाला हिस्सा और ये गाड़ी का हिस्सा, 5 और ये नीचे 6। तो चौकोन आकृति भी कितनी हुई है? 6, ठीक है। आप सब भी इसको गिन के लिख देंगे और आप इनमें कलर भी कर सकती हैं, ठीक है बच्चों। और ये आगे है, हमें पैटर्न दिए गए हैं, आगे बढ़ाओ। हमने पिछली उसमें लेसन में भी किया था पैटर्न का, तो इसमें भी इसी तरह है। ये हमें उल्टा सी दी गया, फिर सी, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। अब हम देखेंगे किसकी बारी आई। ये इस तरफ मुंह है, तो अब की बार क्या आएगा? ऐसे, ठीक है, सी बनाते हैं जो हम। अब इसको ऐसे इस तरफ मुंह करेंगे, फिर इसका ऐसे और फिर इसका ऐसे। इसी तरह पैटर्न को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह ये देखो, अब इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो इस वाली का इस तरफ, ठीक है। और ये ऐसे और ये ऐसे। आप भी इसको पूरा करेंगे।
अब ये देखो, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अब क्या आएगा? नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे। अब ये देखो, इसमें पहले क्या है? नीचे, और इसमें ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, अब आ जाएगा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये क्या होते हैं? पैटर्न, ठीक है। इनकी आकृतियों को देखते हुए उनको आगे बढ़ाना, ठीक है बच्चों। तो आप भी ये पेज नंबर 16 तक कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।